नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबी 24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े हैं पुरानी सब्जी मंडी के बिल्कुल चौक पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से, आप मेरे पीछे ठीक देख रहे होंगे कि चलानिंग की प्रक्रिया जो है वो जो है यहाँ पर चल रही है सुबह से। और फिलहाल यहाँ पर जो है लोग जो हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले जो हैं, जितने भी हमारे जितने भी प्रशासन के जो अधिकारी बैठे हैं, और यहाँ पर जो है चलानिंग की जा रही है। जो भी लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते या हेलमेट नहीं डालते, या जो भी लोग जो है यहाँ पर, उनके चलानिंग की जा रही है। और सुबह से जो है इस जो भी चलानिंग है उसकी सारी प्रक्रिया को जो है जारी रखा हुआ है। और फिलहाल जो है यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, किस तरह के जो कागजात हैं उनके पास नहीं होते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि आपके पास कौन कौन से कागजात होने चाहिए। वैसे तो ये सब जानकारी आप सबको है ही है कि आपके पास कौन कौन से कागजात होने चाहिए, लेकिन फिलहाल आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि कम से कम जो है हम घर से बाहर निकलें, अपने कागज़ लेकर ज़रूर निकलें, नहीं तो आपको जो है भारी भरकम चालान भरना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो है ज़रा बात करते हैं, तो सर बताएंगे किस चीज़ का चालान इनका कटा है? इसका हेलमेट का कटा है सर। हेलमेट का चालान कटा है? हेलमेट का कटा है। कितना चालान कटा है इनका? 1000 रुपये का। 1000 रुपये का। तो भाई साहब आपका चालान कटा है 1000 रुपये का, तो आपको कैसा लग रहा है कि आप हेलमेट की वजह से आपको 1000 रुपये का चालान भरना पड़ा? जी सर, मुझे बहुत इस चीज़ पे अफसोस है। हाँ। थोड़ा बच्चे इसलिए जाना पड़ा था, मेरे को मजबूरी थी, बड़े भाई एक्सपायर हो गए थे, मैं जल्दी में था थोड़ा। हाँ। ये थोड़ा मेरे से गलती हो चुकी, लेकिन हम पालन करेंगे, आगे से हम हेलमेट लगाएंगे और मास्क वगैरह पूरा रखेंगे। तो लोगों को भी कहेंगे हेलमेट डालना चाहिए? बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल जरूरी है हेलमेट, बहुत जरूरी है, अपनी सेफ्टी है बहुत जरूरी है, तो इसके लिए सॉरी। फिलहाल जो है यहाँ पर 1000 रुपये का चालान कटा है, और आपने देख लिया भारी भरकम चालान जो है, किसी ज़रूरी काम से जा रहे थे, लेकिन आप किसी भी ज़रूरी काम से जाएं, आपको कम से कम यातायात नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ़ाइन इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ ऐसे जो हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है दौड़ भी जाते हैं अपनी व्हीकल लेकर, और फिलहाल जो है उन्हें रोक लिया गया है। और आगे ज़रा एक बार चलते हैं, और जैसे कि पहले आपको दिखाया, ये उन्हें वापस भेजा जा रहा है इधर, क्योंकि उन्होंने रोड जो है गलत क्रॉस करके वो आए थे। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उनको रोका गया है, और फिलहाल जो है यहाँ पर चलानिंग की प्रक्रिया जो है तेज़ी से की जा रही है। और आपको बता दें सुबह से ये प्रक्रिया जो है जारी रखी हुई है, और जैसे 1000 रुपये का चालान कटा सिर्फ हेलमेट पे, अभी देखेंगे कि और कौन कौन से चालान, कितने कितने रुपए के चालान लोगों के कटे हैं और कटते हैं आगे। और फिलहाल जो है यहाँ पर आपको बता दें कि सब्ज़ी मंडी चौक के ऊपर हम खड़े हैं, और यहाँ जो चालान की प्रक्रिया है उसे तेज़ी रखते हुए लोग कौन हेलमेट डालते हैं नहीं डालते, किसके पास लाइसेंस है नहीं है, किसी के पास गाड़ी की RC है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है चेक की जा रही हैं। और आप याद रखें कि घर से निकलें तो कागज़ लेकर निकलें, नहीं तो आपको यहाँ भारी भरकम चालान भरना पड़ेगा, और आपकी छोटी सी जो भूल है वो आपको लगेगा कि आज के दिन मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो उस नुकसान से बचने के लिए कागज़ पूरे रखें कम से कम अपने पास। नमस्कार, इसमें तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की पुरानी सब्जी मंडी की, मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा सकता हूं, जहां देख सकते हैं किस प्रकार से यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों को आज जो है बख्शा नहीं जाएगा। जी हां, करनाल प्रशासन द्वारा, करनाल SP सुरेंद्र सिंह भोरिया द्वारा जो है आदेश जारी हुए, जो नॉन हेलमेट डालकर जो है रोंग साइड पार्किंग, जो नॉन जो रोंग साइड को जो है व्यवस्था को बनाते हैं, जो व्यवस्था को जो दुरुस्त ना कर पाने को लेकर जो है करनाल प्रशासन आज जो है अलर्ट हो चुका है। करनाल के जो पुरानी सब्जी मंडी चौकी है, किस प्रकार से वहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि युवाओं के किस तरीके से जो चालान किए जा रहे हैं, जो हेलमेट ना पाकर जो देख सकते हैं नो पार्किंग की व्यवस्था को जो दुरुस्त नहीं करते, उनको लेकर जो है चलानिंग की जा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, अभी तक अमूमन जो है काफ़ी संख्या में जो चलान कर दिए, अभी तक, जी हाँ अभी तक जो है लगभग 40 के करीब जो है, अभी तक जो सुबह से लेकर अभी तक जो है 40 के करीब जो है ऑनलाइन चलानिंग जो है कर दी गई है। तस्वीरें समय करनाल की सब्जी मंडी चौक की, जैसे मैं तस्वीरें देख सकते हैं काफ़ी संख्या के अंदर जो है करनाल के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं मौके पर पहुंचे, देख सकते हैं किस प्रकार से जो ऑनलाइन, जी हां ऑनलाइन चलानिंग की जा रही है काफ़ी संख्या में। बिल्कुल, जो हेलमेट नहीं डालते, जो जिनके कागज़ पूरे नहीं होते, जो रॉन्ग साइड को लेकर जो है चलते हैं, उसके बाद जो देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ऑनलाइन, जी हां बिल्कुल तरीके से किस प्रकार से जो व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाते उसको सीधा तौर पर जो है चलान किए जाते हैं। तस्वीरें समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, ना तो हेलमेट डालते हैं,
ना तो उनके कागज पूरे होते हैं, आखिर उनके जो है चलान क्यों नहीं किया जाए। करनाल प्रशासन, करनाल पुलिस के जो अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया हैं, साफ तौर पर उनका कहना है जो जिनके जो कागज पूरे नहीं है, जिनके कागज पूरे नहीं, ना तो हेलमेट नहीं डालते या फिर जो जो यातायात के नियमों की उल्लंघन करते हैं, साफ तौर पर जो उनको कड़ी चेतावनी दी गई है। तस्वीरें करनाल के कमेटी चौकी और करनाल की पुरानी सब्जी मंडी की से मैं आपको लाइव तस्वीरें देखो, ज़्यादा जानकारी जो मेरे सहयोगी हैं दर्पण उपल वो जानकारी देंगे। तो फिलहाल जो है यहाँ पर चलानिंग जो है प्रक्रिया जारी है और आपको ये भी बताएंगे कि जो लोग हैं कितने जो हैं सतर्क हैं अपने कागज़ों को लेकर के। इस कागज़ सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं कि आपको आपको समझाने के लिए कि आपको कागज़ लेकर जाने हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से इस प्रक्रिया को रखा गया है, चालान की प्रक्रिया को रखा गया है। क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद आपके साथ कोई हादसा ना हो जाए या आपके द्वारा किसी के साथ कोई ऐसी बात होती है तो आपके पास आपके कागजात होने ज़रूरी हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से जो है कागज़ आपके पास होने चाहिए और किसी भी तरह की जो बात है कि ये कह दिया जाए या कोई बहाना है तो बहाने से पहले बेहतर ये है कि पहले आप घर पे अपने कागज़ जो हैं उनको पूरा तैयार रख लें, उसके बाद घर से बाहर निकलें। कोई इमरजेंसी भी होती है तो उस बेहतर है कि उससे पहले अपने कागज़ों को तैयार रख लिया जाए। और फिलहाल यहाँ पर अभी आपको पहले दिखाया कि सिर्फ एक वो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है व्यक्ति गिर गए हैं अचानक से और फिलहाल जो है उनको यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से जो है व्यक्ति गिरे हैं और जो है इनका जो लगता है बैलेंस बिगड़ गया था और कुछ ऐसा लग रहा है। जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शाम सुंदर और क्या नंबर बता रहे हैं कौन से भाई साहब, गाड़ी का क्या नंबर है जो अभी करके गई है? HR05AX3743 जो गाड़ी है उसके द्वारा हम अचानक से ही जो है गाड़ी ने तेज़ी से मार दिया और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो है व्यक्ति गिर जाते हैं। और जो है गाड़ी के बारे में और जानकारी देते हैं कि गाड़ी आखिर कौन सी है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर एक जो वैन थी, क्योंकि अचानक से खबरें बनाते हुए जो है हमारा भी ध्यान जो था वो चलानिंग की तरफ था, अचानक से पीछे जो है तेज़ी से एक व्यक्ति है उनको कोई गाड़ी जो है उनको टक्कर मार देती है और उनका जो है जो संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिर जाते हैं। और गाड़ी का नंबर भी आपने अभी सुना, लेकिन फिलहाल जो है व्यक्ति वो सही थे तो उनको यहाँ से जाने भेज दिया गया, वो उनको कोई चोट नहीं आई, भगवान का शुक्र है। लेकिन फिलहाल जो है ये देख लीजिए आप, यातायात नियम है, लोग कितना पालन करते हैं ये आपको देखने को मिल गया है इसी वीडियो के अंदर। और फिलहाल जो है शुक्र है कि उन्हें चोट नहीं आई है और वो जो है वो घर निकल गए, शायद उन्हें कोई ज़रूरी काम था तो कोई घसीट भी शायद उन्हें नहीं लगी है फिलहाल जो देखा गया है बताया गया। तो यहाँ ठीक पीछे देख सकते हैं कि जो गाड़ी है उसे भी टोचन करके लेके जाया जा रहा है और आज तेज़ी से जो है अभियान चलाया हुआ है। देख सकते हैं कि जो रॉन्ग पार्किंग करते हैं और उन लोगों की गाड़ी बिल्कुल देखिए बिल्कुल नई गाड़ी यहाँ पर उठा ली गई है। और जो लोग हैं वो ये भी नहीं सोचते हैं कि हमारी जो रॉन्ग पार्किंग है उसके बारे में रोज़ खबरें बनती हैं, रोज़ मोबाइल पर देखते हैं, लेकिन फिर भी वही गलती बार बार दोहराई जाती है और फिर भारी भरकम चालान जो है वो भरते हैं और बाद में कमेंट करते हैं कि हमारे साथ गलत होता है। और यहाँ पर देख लीजिए गाड़ी जो है उठा ली गई है और फिलहाल जो है आप यातायात नियमों का देख ही रहे हैं कि लोग कितना पालन करते हैं। यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्हें रोका गया और जिनके पास हेलमेट नहीं होगा उनकी चालानिंग होगी। और फिलहाल जो है यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से, और ये गाड़ी जो है देखिए इसे यहाँ लगाया जा रहा है, अब इसकी चालानिंग होगी। और फिलहाल जो है लोगों को ये समझाने के लिए कि अगर आप भी इस तरीके से अनदेखी करेंगे तो आपकी भी जो है चालानिंग की जाएगी और भारी भरकम चालान आपको भरना पड़ेगा। और आपको धीरे धीरे जो है एक एक करके हम सारी जानकारी देंगे ताकि आपको इसके बारे में पूर्ण ज्ञान होना ज़रूरी है। वैसे तो सबको इसका ज्ञान पता है, सबको मालूम है कि हमारा कौन सा चालान कितने का कट सकता है, इसकी जानकारी प्रशासन पहले ही दे चुका है। लेकिन जिनको नहीं है उनको ज़रूर बताया जाएगा कि जो चालान है वो कितने का कटा, ताकि आप इस बारे में ध्यान रखें कि आपका जो चालान है वो कहीं कट ना जाए और आप इस चीज़ का कम से कम ध्यान ज़रूर रखें। फिलहाल जो है गाड़ी को यहाँ पार्क कर दिया गया है
तो फिलहाल जानते हैं कि यहाँ पर जो है चलानिंग की जा रही है और ज़रा जानकारी लेते हैं कि हाँ जी सर बताइए, जो इनकी भी चलानिंग हुई है अभी, कितनी चलानिंग हुई है इनकी अभी? डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। अच्छा, अभी डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं अभी इनके। फिलहाल जो है यहाँ पर दस्तावेज़ जो है उनको चेक किया जा रहा है कि उनके पास कौन सा दस्तावेज़ है और कौन सा नहीं है। फिलहाल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको बता दें कि साथ ही साथ जो है गाड़ी अभी निकली है, वो यहाँ पर जो पार्किंग है जितनी भी उसका पूरा देख रेख की जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन जो है खुल चुका है और तेज़ी से लोग जो हैं अपने कामों पर निकले हुए हैं। इस समय आप मार्केट में भीड़ देख सकते हैं, कैसे ऐसी ही गाड़ियां पहले चलती थी लॉकडाउन से पहले, और लॉकडाउन के बाद भी अब आप देख सकते हैं ऐसे ही रोड है, भरी हुई रोड है। पूरा करंट गेट जो है इस समय आप देख सकते हैं, और सिर्फ इसलिए कि अब जो है यातायात नियमों को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन की पहले बात होती थी। और फिलहाल यहाँ पर देखिए रोक लिया गया गाड़ी को, और अब इनके भी जो है दस्तावेज़ चेक किए जाएंगे कि इनके पास कौन कौन से कागज़ हैं, और उसके बाद देखते हैं आगे कि कौन कौन सा जो है, और एक बार ज़रा जानकारी लेते हैं कि क्या इनके दस्तावेज़ में कोई ऐसी चीज़। तो इनके दस्तावेज़ क्या पूरे हैं इनके दस्तावेज़? हाँ जी सर, एक हेलमेट नहीं है सर इनके। अच्छा, इनके पास हेलमेट नहीं है। हाँ जी, तो इनका हेलमेट का कटेगा? हाँ जी सर, हेलमेट का इनका 1000 रुपये का चलान कटेगा। 1000 रुपये का चलान है सर हेलमेट का। आप हेलमेट का चलान आपका कटा है, आपको कैसा लग रहा है कि आपने हेलमेट नहीं डाला और आपका 1000 रुपये लग गए यहाँ पर? तो क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पर चलान सर गलती अभी क्या करें? वैसे अब यहीं शायद सर, अभी आप घर से निकले आपको ध्यान नहीं था कि मैं हेलमेट नहीं डालूंगा, और चेकिंग होती है शहर के अंदर? नहीं, शहर तो सर चेकिंग होती है, पता था सर, अभी ध्यान नहीं रहा सर, एक मिनट जल्दी जल्दी में आना पड़ेगा यहाँ पे। तो आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि 1000 रुपये है, ये कम अमाउंट तो नहीं होता, लेकिन ये चीज़ अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कट जाएगा। पैसे भी नहीं, सेफ्टी भी होती है सर वैसे तो हेलमेट से बंदे की, तो अभी ध्यान नहीं रहा, अगले नेक्स्ट टाइम। लोगों को क्या कहेंगे? ध्यान नहीं रखेंगे सर, लोगों को बोलेंगे कि हेलमेट पहन के चलो, अपना कागज लेके चलो। नहीं, लोगों को क्या कहेंगे, हेलमेट पहनना चाहिए? नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए हेलमेट। तो लोगों को ये भी कहना चाहेंगे अगर नहीं पहनेंगे तो चलान कटेगा? बिल्कुल चलान भी कटेगा, और वैसे भी सेफ्टी भी नहीं है बंदे की, अगर हेलमेट पहन के चलेगा तो सेफ्टी रहती है बंदे की। चलिए, फिलहाल जो है इनका भी यही कहना है कि बाकी दस्तावेज़ पूरे हैं, हेलमेट नहीं पहना तो 1000 रुपये का इनका चलान कटा। और फिलहाल जो है हम यही जो है आशा करते हैं कि आगे से ये ध्यान ज़रूर रखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वाकई में जो पैसे हैं चुभते तो हैं, लेकिन बात वही है कि उस बेहतर है कि आप अपने कागज़ या दस्तावेज़ या अपना हेलमेट सारी चीज़ें अपने घर से लेकर निकलें, और ताकि जो है आप चलानिंग की प्रक्रिया से बच सकें, अपने कागज़ चेक कराएं और वापस अपने काम पर जाएं। और फिलहाल जो है यहाँ पर और देखते हैं कि यहाँ पर और कितने चलान कटते हैं, तो ज़रा जानते हैं कि और चलान यहाँ पर कट रहा है, तो एक बार ज़रा पूछते हैं। तो सर इनके कागज़ पूरे हैं इनके? सर प्रदूषण भी ख़त्म है इसका, हेलमेट नहीं है इसके पास। अच्छा, हेलमेट नहीं है और पोल्यूशन नहीं है? पोल्यूशन है सर जी, ख़त्म हो गया है। तो इनका जो पोल्यूशन है वो फिलहाल जो है वो ख़त्म हो चुका है, और हेलमेट नहीं है, तो फिलहाल देखते हैं अब इनका जो आगे है चलान किया जाएगा। तो इनका चलान फिर कौन कौन से बनते हैं सर इनके? दोनों बनते हैं, प्रदूषण का और हेलमेट का। प्रदूषण का कितना कटेगा सर? 10000 का। 10000 का हेलमेट का, और हेलमेट का 1000 का। यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से प्रदूषण का 10000 रुपये का चलान आपने देख लिया, 10000 रुपये अचानक से आपकी जेब से चले जाएं तो आपको कैसा लगेगा, आप ज़रा सोच कर देखिए। और हेलमेट का 1000 रुपये का चलान आपका है, और प्रदूषण का सीधा 10000 रुपये का है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि चलान जो है सुबह से चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी कवरेज थी उनको करने के बाद, जब यहाँ जानकारी मिली, यहाँ हमने किया, तो सुबह से चलान कट रहे हैं। और सोचिए कितने लोगों के, कितने लोगों ने गलती की है यहाँ पर और उनके चलान कटे होंगे। तो कम से कम इस चीज़ की सीख ज़रूर ले लेनी चाहिए कि आपकी मेहनत की कमाई है, तो उसके साथ कम से कम ये ज़रूर होना चाहिए। और आपको ये समझाने के लिए पहले इतने चलान नहीं थे, लेकिन बाद में फिर भी यातायात नियमों को थोड़ा सख्त और बनाने के लिए, ताकि जो लोग हैं उनको ये समझ में आ जाए कि अगर किसी ने इतना भारी भरकम चलान कटा है, तो आगे से वो कम से कम अपना दस्तावेज़ ज़रूर पूरे रखेंगे, क्योंकि अगर आप पूरी गाड़ी के दस्तावेज़ भी तैयार करने लगे तो भी 10000 रुपये खर्च नहीं होते हैं। तो बात यही है कि आप RC भी बनवा लो मोटरसाइकिल की, तब भी इतने पैसे खर्च नहीं होते हैं। अगर एक आम मोटरसाइकिल और उसके और दस्तावेज़ इंश्योरेंस भी करा लिया जाए, तब भी 10000 रुपये में सारा काम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब यहाँ पर इनका यहाँ पर चलानिंग होगी, और फिलहाल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चलानिंग प्रक्रिया के लिए पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है, और फिलहाल हम खड़े हैं
सब्ज़ी मंडी चौक के पास, पुरानी सब्ज़ी मंडी चौक के बिल्कुल नज़दीक। और फिलहाल यहाँ पर देखते हैं और कौन कौन से जो है चलानिंग की जाती है। फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, ज़रा आपको कवरेज के साथ साथ दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ एक स्विफ्ट गाड़ी को भी उठा लिया गया और यहाँ पर रॉन्ग पार्किंग में खड़ी थी गाड़ी। फिलहाल देखिए यहाँ पर तेज़ी से मुस्तैदी से काम हो रहा है आज, और लोग ये सोचते हैं कि पुलिस जो है ध्यान नहीं देती है। कोई बात नहीं, पुलिस को कौन सा रोज़ रोज़ आती है, आज खड़ी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें ये नहीं पता, जब आएगी तो आपकी गाड़ी लेकर ज़रूर जाएगी। और फिलहाल अब देख लीजिए, गाड़ी ले गए, अब उनका मोटा भारी भरकम चालान कटेगा। और फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग भी जो हैं समझते नहीं हैं, हम उनकी बात समझते हैं। अगर उनको चलने में तकलीफ़ होती है तो ये उनकी समस्या है और उनको ये समस्या ठीक करनी चाहिए, क्योंकि पास में ही तीन पार्किंग है यहाँ पर। अगर ये भी देख लें कि सब्ज़ी मंडी जो पुरानी है उसको भी पार्किंग बनाया गया है, रामलीला मैदान है उसको भी पार्किंग बनाया गया है। और फिलहाल जो है, लेकिन लोग कहते हैं यहाँ पार्किंग नहीं है, वो सिर्फ इसलिए दोस्तों कि आप तस्वीरों में ज़रा एक बार देख लीजिए कितनी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, कितना कुछ खड़ा है। अगर इसके आगे कारें खड़ी हो जाएं तो सड़क कितनी बचती है, आप ध्यान से देख सकते हैं। और फिलहाल जो है ये सिर्फ इसीलिए है ताकि आप लोग जो हैं गलत पार्किंग करेंगे, उससे दिक्कत आपको भी आ सकती है। आप यही समझ लीजिए कि आपके घर में कोई बीमार है, आपको उसे अचानक से लेकर जाना है और रास्ते में भीड़ भाड़ लगी है रॉन्ग पार्किंग की वजह से, तो जो स्थिति पैदा होती है वो सबके साथ हो सकती है। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए बार बार पुलिस को आना पड़ता है, ट्रैफिक को खुलवाना पड़ता है। इन चीज़ों से बचने के लिए ऐसी चलानिंग की जाती है। आप भी कहते हैं कि सीएमसीटी, हम सरकार का भी दोष निकालते हैं, लेकिन सीएमसीटी बनाने के लिए कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है, पहले हमें भी करनी पड़ेगी, थोड़े से नियम हमें भी मानने पड़ेंगे। लेकिन बात सारी प्रशासन की नहीं आती, हमारे हाथ में हमारी व्हीकल है, हमें कहाँ पार्क करनी है ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ये चालान कट रहे हैं, और ज़रा देखते हैं और आगे की आखिर जो आगे और जो चालानिंग है वो कितनी की जाती है। फिलहाल जो है यहाँ पर हम खड़े हैं सब्ज़ी मंडी के चौक पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं सब्ज़ी मंडी चौक से लेकर जो करण गेट जो है घंटाघर चौक तक जो है पार्किंग का काम चल रहा है, उसे देखा जा रहा है। और आगे जो है वहाँ पर जो है चालानिंग की प्रक्रिया जारी रखी गई है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मंडी इंचार्ज है रमेश डांगी जी, SHO, और उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, बताइए आज जो चलानिंग की जा रही है, लोग भी यहाँ पर अभी भी पार्किंग रॉन्ग पार्किंग में लोग खड़ी करते हैं, तो जो चलानिंग प्रक्रिया है उसे पता चला सुबह से, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहूँगा, भाई जो हमारी ट्रैफिक नियमों की पालना है वो हमेशा की तरह ऐसे रूटीन में कार्रवाई चलती रहेगी। रही नो पार्किंग की, नो पार्किंग के बारे में हम है ना, नई क्रेन आ गई है, नई क्रेन से तकरीबन हम है ना राउंड लगवाते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं, किसी की को गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी कर रखी है वो कृपा करके अपनी गाड़ी को हटाएं, वरना उसको टोइंग करके या उसका चालान किया जाएगा। तो इस तरह की प्रक्रिया मैंने शुरू करा की है ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा का सामना न करने पड़े। तो जो लोग हैं वो भी नहीं मान रहे हैं, और यहाँ पर अभी भी हमने देखा जो लोग हैं काफ़ी गलत व्हीकल चला रहे हैं और हेलमेट का चलान भी कट रहा है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि हाँ हेलमेट डालना ज़रूरी है। तो आखिर ऐसा क्यों है, लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कागज़ उनके पास क्यों होने चाहिए, क्यों नहीं रखते लोग ये? मैं इसके विषय के बारे में आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, सभी लोगों से यही अपील करूँगा, भाई ट्रैफिक नियमों की पालना करें। जो हेलमेट है आपकी सुरक्षा के लिए है, अगर हेलमेट नहीं लगाओगे चलान नहीं कि आपको कल ना कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें आपके बचाव करने के लिए हेलमेट लगाना ज़रूरी है। तो इसमें आप ये ना समझो बस चलान है, चलान से बच गए तब वगैरह, आज बच गए कल ना फिर बोलेंगे फिर चलान होगा, तो क्यों नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, सभी लोगों से अपील करूँगा आपके माध्यम से, बस सभी आदमी जो भी है ना अपने टू व्हीलर वाहन पर चलते हैं तो अपना हेलमेट लगा के चलें। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि आपको अपने जो कागज़ हैं वो पूरे रखने चाहिए, और जो चलानिंग है आपकी उसके ऊपर होगी, और रॉन्ग पार्किंग में आपको गाड़ी जो है वो नहीं लगानी है। तो फिलहाल जो है हम बात कर रहे थे जो, और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो ये बयान है, क्या अभी ये कब चलेगा, इसके बारे में कोई जानकारी आप, जैसे रोज़ चलेगा या इसके लिए कोई ऐसी जानकारी? ऐसे मैंने आपको पहले भी कहा था भाई, इस चीज़ में हमारी जो ये रूटीन की
कार्रवाई है लगातार चलती रहेगी। अगर कोई हमारे अफसरों की तरफ से को रूटीन में मतलब को आदेश आते हैं बस सड़क सुरक्षा के लिए उन नियमों के बारे में बताओ तो उसके बारे में भी हम समय समय पर लोगों को रुकवा कर उनको सुरक्षा नियमों के बारे में भी बताया जाएगा। और अगर किसी की बार बार चलान कटता है दो या तीन बार उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है? उसके बाद ऑटोमेटिक सिस्टम है जो बार बार चलान कटता है तीसरी बारी में उसका ना मशीन नहीं उठाएगी उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पर ये बता दिया गया अगर आपका बार बार चलान होता है आप फिर बार बार वही गलती करते हैं तो उसके बाद जो है आपका जो है लाइसेंस रद्द हो जाएगा और फिर आप समझ सकते हैं बिना लाइसेंस के आप कहीं भी गाड़ी नहीं चला सकते यानी आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। फिर उसके बाद आपको जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है वो तो आपको उस समय ही पता चलेगी। लेकिन अभी तक तो है आपको सारी जानकारी दे दी यहाँ पर चलानिंग हुई है यहाँ पर हेलमेट का चलान हुआ है प्रदूषण का चलान आपने देख लिया कितना ज़्यादा है तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें और घर से निकलें अपने कागज़ लेकर निकलें। अगर कागज़ लेकर आप नहीं निकलें तो वाकई में ही अगर आपका चलान कट गया अगर आप पुलिस वालों के हाथ लग गए तो वाकई में आपको काफ़ी अफसोस होगा क्योंकि आपकी जेब से भारी भरकम रकम जो है निकलेगी और बाद में जो है आप हाथ मलते रह जाएंगे कि अब मैं इस नुकसान को पूरा कैसे करूं। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और चलानिंग प्रक्रिया और पार्किंग के जो रॉन्ग पार्किंग में लोग खड़ी कर रहे थे आपको जो है हमने लाइव कवरेज दिखाई है और फिलहाल जो है आपको ये कहना चाहेंगे कि घर पर रहें सुरक्षित रहें तब तक के लिए जय हिंद। चिलचिलाती गर्मी में घर को बना दे शिमला जैसा कूल कूल 60 डिग्री टेम्परेचर में भी रूम को करे चिल। एम्स्टर्ड का डॉक्टर एसी वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रांड जो है IMA डॉक्टर द्वारा प्रमाणित PM 2.5 फिल्टर के साथ हवा को करे साफ मच्छरों को रखे रूम से दूर। आज ही अपने घर में एम्स्टर्ड का डॉक्टर एसी लाएं और बीमारियों को भगाएं।